कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, दो अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हुई, आज हाई कोर्ट में हुआ क्या? देखिए, जो बालूगंज में आशीष शर्मा जी और राकेश शर्मा जी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है विधायकों की खरीद फरोख्त कर, अनड्यू एडवांटेज लेकर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचकर सरकार को गिराने की मंशा से जो अपराध किया गया है, उसमें आज बेल लगी थी। उस बेल में कुछ देर तक बहस हुई तथा फिर माननीय न्यायालय ने कहा कि अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, जिसमें हमने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, राकेश शर्मा को बुलाया गया था परंतु उन्होंने उस तरह से कोऑपरेट नहीं किया जो करना चाहिए था, और वो एक सब रिकॉर्डेड तथ्य है कि क्या क्या बातें उन्होंने कही और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी धमकाया, ये सारी बातें हमने न्यायालय के ध्यान में लाई। तो न्यायालय ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 26 को होगी और ये एक्यूज जो है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में जब जब भी बुलाए जाएंगे वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। अब इन एक्यूज लोगों ने एक और पिटीशन डाली है जो FIR क्वेशिंग के लिए डाली है, उसमें अब अगली डेट जो है 26 तक रखी गई है, उसमें एप्लीकेशन, उसमें हमें निर्देश दिए गए हैं कि जो इनकी पिटीशन है उसका जवाब देगी सरकार और 26 तारीख तक को उस मामले में आगे अगली सुनवाई होगी। तो इन दोनों मामलों में जो सारांश में मैं कह सकता हूं कि 26 तारीख के बाद ही कोई अगली कार्रवाई होगी, तब तक इन्वेस्टिगेशन। जमानत की अवधि क्या 26 तारीख तक ही बढ़ी है? हाँ, अब अग्रिम जमानत की जो अवधि है वो 26 तारीख तक बढ़ी है और अग्रिम जमानत की शर्तों के अनुसार उन्हें जब जब भी पुलिस अधिकारी थाने में बुलाएंगे या इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे उन्हें आना पड़ेगा। एक बात आपने कोर्ट में और भी कही है कि राकेश शर्मा धमका रहे हैं जांच अधिकारी को और कह रहे हैं सरकार 2 महीने की मेहमान है और वो आत्महत्या करने जैसा कठोर कदम उठाने की भी चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, ये रिकॉर्डेड वर्जन है पुलिस स्टेशन में और ये हमारी जो आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है उसका भी ये वर्जन है। उस सब में ये कहा गया है कि राकेश शर्मा जी को जब बुलाया गया था तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बजाय अपने पूर्व पद का रोग दिखाते हुए अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश की, परंतु हम ने उस सारे तथ्यों को रिकॉर्ड करने के पश्चात कोर्ट के समक्ष रखा और इन्हीं तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आगे निर्णय लिया कि मामले की सुनवाई को आगे स्थगित किया जाता है, पहले ये लोग इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और अगर इन्वेस्टिगेशन की स्थिति को देखते हुए ही अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला होगा। थैंक यू। ओके जी।